हेलो स्टूडेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर में हम शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। लघु रिपोर्ट किसे कहते हैं? जब किसी विवरण को छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी भूमिका, विषय सामग्री, निष्कर्ष इत्यादि सभी का आकार छोटा होता है। इस विवरण का प्रयोग फैक्स और ईमेल के द्वारा किया जाता है। इस विवरण को पत्र के आकार में प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण छोटे छोटे व्यवसाय में प्रयुक्त होता है। इस विवरण के लिए छोटी भूमिका तैयार की जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रारंभ होता है, अर्थात विषय सामग्री तुरंत ही शुरू हो जाती है। ये विवरण दिन प्रतिदिन की समस्याओं से संबंधित होते हैं। छोटे छोटे विषयों पर इन्हें तैयार किया जाता है। लघु विवरण निजी विवरणों की तरह होते हैं। लघु रिपोर्ट की योजना, प्लानिंग ऑफ अ शॉर्ट रिपोर्ट। लघु रिपोर्ट का निर्माण करने के लिए प्रारूप, प्रारंभ, मुख्य विषय, सारांश प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लघु रिपोर्ट के प्रारूप की शुरुआत शीर्षक से होती है। इसके बाद विषय दिया जाता है। विषय की कई लाइनों में थोड़ा थोड़ा अंतर रखकर दिया जाता है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करना, उनका निष्कर्ष प्रस्तुत करना, अंत में वह अपने सुझावों की एक सूची भी प्रस्तुत करता है। लघु रिपोर्ट को तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यह एक औपचारिक रिपोर्ट होती है, इसे बनाते समय सभी संबंधित तथ्यों को पूर्ण रूप में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य की नीति मुख्य रूप से इसी रिपोर्ट पर निर्भर होती है। ऐसी रिपोर्ट के लिए संचालक मंडल के उस प्रस्ताव पर दृष्टि डालनी चाहिए जिसके अनुसार उपसमिति नियुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त किए गए कार्य की कार्यवाही पुस्तिका रखनी चाहिए और विक्रय प्रतिवेदों का समय समय पर परीक्षण करना चाहिए। ग्राहकों से व्यक्तिगत साक्षात्कार करते रहना चाहिए और बाजार का पूर्ण अध्ययन हमें करना चाहिए। प्रबंधकों को विक्रय की कमी के कारणों का विधिपूर्वक ढंग से अध्ययन करना चाहिए और प्रत्येक कारण को पृथक पैराग्राफ में लिखना चाहिए। विक्रय में कमी के क्या कारण हो सकते हैं? बाजार में गिरावट, प्रतिस्पर्धियों का उत्पन्न हो जाना, माल की किस्म में वृद्धि हो जाना, उचित संगठन का अभाव, अपर्याप्त प्रचार आदि। नेक्स्ट है औपचारिक रिपोर्ट या फॉर्मल रिपोर्ट, इसे हम दीर्घ रिपोर्ट भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में अधिक सूचना दी जाती है। इन सूचनाओं के समर्थन में आवश्यक तथ्य भी दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट में व्यवसाय की छोटी या बड़ी समस्याओं का गहन अध्ययन होता है। इस रिपोर्ट को अनेक खंडों में तैयार किया जाता है। प्रत्येक खंड में एक विषय से संबंधित सूचनाएँ होती है। औपचारिक रिपोर्ट को तैयार करना, इस रिपोर्ट के अनेक भाग होते हैं। इसे तैयार करने के लिए एक निश्चित क्रम को अपनाना होता है। इस रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया है। भूमिका, रिपोर्ट का मूल विवरण, मूल विषय का परिशिष्ट भाग। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन या भूमिका। इस भाग को तैयार करने के लिए निम्न क्रम अपनाया जाता है। आवरण अर्थात प्रथम पृष्ठ, इस पर कंपनी का नाम और मोनोग्राम होता है। मुख्य पृष्ठ या टाइटल कवर पर शीर्षक रिपोर्ट दिया जाता है और संबंधित वर्ष भी लिखा जाता है। विषय सूची, टेबल ऑफ द कंटेंट के अंतर्गत पूरी रिपोर्ट को जिस क्रम में दिया गया है उसका विवरण होता है। लिस्ट ऑफ डायग्राम, चित्र की सूची, इसके अंतर्गत रिपोर्ट में दिए गए चित्रों की सूची होती है। सारांश में पूरी रिपोर्ट की सूक्ष्म सूचना होती है। द सेकंड वन इज रिपोर्ट का मूल विवरण, टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट के मूल विवरण को निम्न क्रम में दर्शाया गया है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। भूमिका, मुख्य भाग, सारांश, निष्कर्ष और सुझाव। किसी भी रिपोर्ट का मूल विवरण तैयार करने में एक निश्चित क्रम अपनाना होता है। यह क्रम भूमिका से चलता है, सुझाव पर जाकर के समाप्त हो जाता है। भूमिका के अंतर्गत किसी कंपनी का इतिहास, स्थापना के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र आदि आते हैं। मुख्य भाग में वे सभी सूचनाएं शामिल होती है जिनको सूचित किया जाना है। इसमें सभी सूचनाओं का सारांश अथवा सूक्ष्म जानकारी दी होती है। इसके बाद निष्कर्ष दिया जाता है, अर्थात ऊपर दी गई सूचनाओं का क्या अर्थ निकला है। सबसे अंत में रिपोर्ट की सूचनाओं के आधार पर प्रगति, इम्प्रूवमेंट के सुझाव दिए जाते हैं। द लास्ट वन इज मूल विषय का परिशिष्ट भाग, द सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। इस भाग में सूची पत्र, प्रश्नावली, प्रश्न सूची तथा मुख्य भाग के समर्थन में प्रपत्र को संलग्न किया जाता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि औपचारिक रिपोर्ट की तैयारी में अनेक व्यक्तियों का सहयोग होता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया बड़ी होती है और विभिन्न भागों में से बांटा जाता है। इसकी विषय सामग्री के समर्थन में अनेक प्रपत्रों की सूची संलग्न की जाती है। थैंक यू।